हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे टाइटल रेंज के क्लासिफिकेशन के बारे में और देखेंगे कि टाइटल एनर्जी के क्लासिफिकेशन या उसके बेसिक डिफिनेशन क्या है दोस्तों टाइटल्स की डिफिनेशन में हम लोग बात करते हैं फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल ऑफ द टू लोएस्ट लेवल पहला आता है एच ए टी फर्स्ट इज़ योर एच ए टी एच ए टी स्टैंड फॉर Highest astronomical tides. HAT stands for highest astronomical tide. The highest tides which can up predict to occur. Note that meteorological conditions may be add extra height to the HAT. Next baat second one. Second one is your that M H W S. एम एच डब्लू एस सेकेंड हमारा कौन सा है एम एच डब्ल्यू एस तो एम एच डब्ल्यू एस में क्या आएगा एम एच डब्ल्यू एस एम एच डब्ल्यू एस हमारा है मीन हाई मीन हाई वाटर स्प्रिंग मीन हाई वाटर स्प्रिंग एम एच डब्लू एस तो इन दिस the average of two high tides on the days of spring tides third M h W n MHWN. m h w n m h w n m h w n stands for that is mean high water mean high water neaps the average of the two tides average of the two टाइड्स ऑन द डेज ऑफ द नीप टाइड्स नेक्स्ट आपका आता है एम एस एल एम एस एल मतलब मीन सी लेवल दिस इज द एवरेज़ सी लेवल द एम एस एल इज कॉन्स्टेंट फॉर एनी लोकेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड नेक्स्ट आपका आता है एम एल डब्ल्यू एन एम एल डब्ल्यू एन स्टैंड फॉर मीन लो वाटर नीब्स

LAT stands for lowest astronomical tides and CT that is chart datum. The lowest tides which can be predicted to occur, some charts use this as a chart datum. And note the under certain meteorological condition, the water may fall lower than this, meaning there is less water than shown. तो ये हम लोगों ने देखा कि इसका जो क्लासिफिकेशन है डिफेनेशन बेसिकली तो इसमें हमने डिफिनेशन में हम लोगों ने अलग अलग पॉइंट समझे एक पढ़ा एच ए टी जो कि हाइस्ट इस्टनोमिकल टाइप्स था फिर मीन हाई वाटर स्प्रिंग एम एच डब्ल्यू एस था एम एच डब्ल्यू एन क्या था मीन हाई वाटर नीब्स एंड मीन सी लेवल एम एस एल एंड फिर हमने पढ़ा दैट इज़ योर नेक्स्ट मीन लो वाटर नीब्स मीन लो वाटर स्प्रिंग एंड नेक्स्ट लोएस्ट एस्ट्रोनोरिकल टाइट्स जैसे हम बोलते हैं एल ई टी एंड चार डाटम चार्ड डाइटम जो कि हमें बताता है कि चार डाटम इज अ वाटर लेवल दैट द डेप्थ डिस्प्लेस ऑन द नोटिकल चार्ट आर मेज़र्ड फ्रॉम तो जो टाइटल रेंज क्लासिफिकेशन है दैट इज फर्स्ट इज माइक्रो टाइटल फर्स्ट क्या आएगा माइक्रो टाइटल माइक्रो टाइटल फिर नेक्स्ट आपका आता है माइक्रो टाइडल की जो रेंज है माइक्रो टाइडल रेंज द टाइडल रेंज इज लोअर देन टू मीटर माइक्रो टाइडल में हम लोग बात करते हैं तो बात करेंगे जब जो रेंज है द आप यहाँ पर दे सकते हैं माइक्रो टाइडल टाइटल द टाइडल रेंज इज़ लोअर देन टू मीटर्स तो दैट इज़ नोन एज माइक्रो टाइडल एंड फिर नेक्स्ट वन दैट इज योर मैसो टाइटल इन दिस मैसो टाइडल मैसो टाइडल में क्या होगा इन मैसो टाइडल the tidal range is between 2 meters and 4 meters between the 2 meters and the 4 meters and the third one is the macro tidal macro tidal when the tidal range is higher than 4 meter when higher than 4 meter the first the tidal range has been classified as micro tidal when the tidal range is lower than 2 meter meso tidal when the tidal range between 2 to 4 and macro tidal when the tidal range is higher than four meter thanks for watching and sharing